दूसरा कर है तो दे दे अल्लाह की सदका बकदम शान है, अल्लाह की सदका बकदम शान है। ये इंसान ही इंसान को इंसान कुरान को ईमान बताता है। ईमान ये कहता है मेरी जान। ये सईदी आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मुतबत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत का ये कविता है जो मैंने आपके सामने पेश किया। और इंसान तो मानते हैं जो गैर है वो कहते हैं हमारे जैसे इंसान है, अपने जैसे इंसान नहीं मानते, बल्कि हम कहते हैं अलहजत मानते हैं कि इंसान नहीं इंसान, इंसान इंसान कभी ना था ना है ना कयामत तक कभी ना होगा। इंसान ही इंसान दो इंसान कुरान तो ईमान बताता है, कुरान करीम तो उनको ईमान बताता है कि ये हमारा ईमान है और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है, यानी ईमान की जान भी सरकार है, रूहे ईमान भी सरकार है और ईमान भी सरकार है। और मेरा ईमान ये कहता है सुन्नी का ईमान कि हमारी भी जान है सरकार, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अल्हम्दुलिल्लाह जामे आदरिया में हाजिर हूँ और मुझे बड़ी मुसर्रत है कि पिछली दफा मैं आया था तो उस वक्त हमारे बुजुर्ग हमारे उस्ताद उलमा हजरत मौलाना आरिफ महमूद खान साहब कादरी रिज़वी ने इसकी इब्तिदा करी थी और अब मैं इसको देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये इस इलाके का अजीम सुन्नियत का मरकज बनेगा। और आज इसके जो फजला और जुमान मुफ्तियान इकराम की दस्तारबंदी हुई है तो उसमें एक बात आरिफ महमूद खान साहब की यूनिक है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया। ये मोहित की शान है कि वो ऐसी चीजें जिनका आजकल देखिए टेक्नोलॉजी का रात गलत इस्तेमाल कर रहा, लेकिन इन्होंने मियावाली में बैठ के इंडिया के भी जो तलबा थे उनको भी इन्होंने सनद दी, उन्होंने भी इनका कोर्स अटेंड करे और ये टेक्नोलॉजी का क्योंकि टेक्नोलॉजी में फासले की कोई वो नहीं है। ये आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में क्लास ऑनलाइन दे सकते हैं और इन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल किया मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये इस इलाके में बस ये समझिए कि मसलके आला हजरत के तर्जुमान है। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आप सबको मसलके आला हजरत पर इस्तेकामत अता फरमाई और इसी पर हमारा साथ फरमाए। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता, वक्त भी काफी हो गया है। जहां पे भी जाता हूँ खानदान आला हजरत के अपना फर्ज की हैसियत से पैगाम रजा देता हूँ। पैगाम रजा वो क्या है? हुजूर ताजुशरिया जो मेरे मामू थे हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब कादरी रिज़वी रूह के उन्होंने पैगाम रज़ा को इस तरह बयान किया है। फरमाते हैं जहां वे आम पैगामे से हैं हमने रज़ा कर रहे और उन्होंने भी सारी जिंदगी यही काम पूरी दुनिया में जहां गए पैगाम रज़ा किया, यही जो काम आला हज़रत ने किया उनके शहजादगान ने उनके खुलफा ने। अभी मुअज्जिज़ पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था वो आपके शहजादगान के खुलफा में से उन्होंने देखिए पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के शागिर्द और उनके शागिर्द काफी जगहों में मैं भी गया,
इंग्लैंड में भी मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के शागिर्दों के शागिर्द देखे, इल्म जदीद हासिल करके वो बड़ी खुशबू का पाया वहां यूरोप में और अमेरिका में। तो ये क्या है, ये सब फैजान रौजा है जो फैलता चला गया, और यही फैजान हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती आलिफ महमूद खान साहब खादिम रब्बी यहाँ पे मियांवाली में इस इलाके में आपको पैगाम रौजा दे रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत के पैगाम रौजा की मैंने बात करी तो ताजी सही है, फरमाते हैं कि जहां में आम पैगाम है शहे अहमद रजा करते और बाबा फरीदुद्दीन का शक्ल रहमतुल्लाह अलैह से और सैयदी आमिर हुसैन, क्यों ये हमारा अकीदा अकीदा अहले सुन्नत जो है ये वही अकीदा है जो सरकार अलैह सल्लल्लाहु से सहाबा इकराम पे लिया और फिर अहले बैत पे लिया और फिर ताबईन तबा ताबईन औलिया इकरामीन बुजुर्गों ने दीन से होते हुए हम तक पहुंचा। और जब तक हम अपने बुजुर्गों की तालीमात पे अमल करते रहे उनकी पैरवी करते रहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज लोग दूसरे लोग भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं लेकिन वो सुन्नी होते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। वजह क्या है कि उन्होंने अपने उस हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी तालीमात को छोड़ दिया। अकीदे अहले सुन्नत ये है जब आला हजरत अजीमुल बरकत और मैं शरीफ ने तशरीफ ले गए उस जमाने में जब तक नजदीयत नहीं आई थी वहां पे, तो वहां के अहले सुन्नत व जमात के जो बड़े बड़े उलमा इकराम थे अकाबरीन वो ये परेशान होते थे कि हिंदू से जब कोई आलिम आता है और हम उससे पूछते हैं कि आप सुन्नी हैं तो वो सब कहते हैं हम सुन्नी हैं, फिर वो पूछते हैं कि आप जो है हनफी हैं तो हनफी भी है। अब उनकी समझ में ये नहीं आता था कि ये कैसे पहचाने कि सही सुन्नी कौन है, सही सुन्नी कौन है। तो जब आला हजरत दूसरे हज पे तशरीफ ले गए तो उन्होंने कहा अब हमें समझ गया, अब हम ये नहीं पूछते कि आप मुसलमान हैं सुन्नी हैं हनफी, क्योंकि वो तो सभी यही कह रहे हैं सिवाय वाफिस के। उन्होंने कहा अब हम सवाल करते हैं जो इनसे हो जाता है मौलाना अहमद रजा साहब के बारे में सवाल करते हैं, और अगर वो आपके जिक्र पे खुश होता है उनकी आपकी तारीफ करता है तो हम समझ जाते हैं ये सही है, और जो आपके जिक्र पे खुश नहीं होता और फौल बनता है आई बाई चाय करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी नहीं है सुन्नत का वक्त। इसको मोहब्बत आला हजरत, तो आला हजरत ये फरमाते हैं कि ये अकीदा है अहले सुन्नत जिस पे हम चल रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसने हमेशा कायम रखे, ये वही अकीदा है जो सहाबा इकराम का भी है और अहले बैत का भी। एक कुछ लोग वो हैं जो अहले बैत आधार की मोहब्बत का दम भरते हैं दावा करते हैं लेकिन सहाबा इकराम की शान में मुस्ताफी तो वो हम नहीं है वो अवाफ है, और कुछ लोग वो हैं जो खवारिज है जो अहले बैत अदाल की शान में मुस्ताफी करते हैं और सहाबा इकराम की मोहब्बत का दम भरते हैं सिपाही साहबा बना रहे हैं या जो भी अलग अलग फरमाते ना हम ये है ना हम है अहले सुन्नत व जमात, और अहले सुन्नत व जमात सरकार अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया उसका मफहूम यह है कि सरकार ने फरमाया कि मेरे सहाबा की मिसाल ऐसे है जैसे हिदायत के सितारे उनको फॉलो करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा,
और मेरे अहले बैत की मिसाल इस तरह है जैसे तूफान नूह में जब हजरत नूह अलैहि सलाम की किश्ती में जो लोग आ गए वो बच गए वापस अपने घर को गए। तो अल्लाह तआला फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नहीं तुम है या नाव है तो हमारा बेड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पार हो जाएगा, हो रहा है और हो गया क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात है, ना हम खवारिज है, ना हम रवाफिज में से है, ना हम नस्बी है, ना तफसीरी है, हम अहले सुन्नत व जमात। और मौजूदा दौर में जिस तरह हजरत शरीफ के उलमाए किराम ने फरमाया कि पहचान के लिए इसको मसलके आला हजरत कहा जाता है, ये कोई नया मजहब फिरका ये ग्रुप नहीं है, आला हजरत कोई नया दीन नहीं लेके आए, वही दीन जो हम हमारे पास सरकार अलैहिस्सलाम से लेके सहाबा इकराम अहले बैत ताबीन तबा ताबीन औलिया कामली बुजुर्गान दीन से होता हुआ हम तक पहुंचा, यही अकीदा अहले सुन्नत है, इस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और हम फिरका नहीं है, ये जो गुमराह किया जाता है कभी बरेली भी फिरका कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, फिरका तो वो होता है जो अक्सरियत से कट के एक अपनी एक छोटा ग्रुप बनता है। हम तो सवाल आदम है, अक्सरियत में हम तो किसी से कटके नहीं बने, हमसे लोग कट कट के फिरके बन गए, तो ये फिरका नहीं है, ये हम सवाल आदम अहले सुन्नत व जमात है और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नहीं मैं और ना हो तो रसूलुल्लाह की बेड़ा पार, यानी कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह निजात हो, हमारी निजात होगी और निजात होगी तो क्या होगा कि जन्नत में जाएगी, यानी जन्नत के अबदार हम हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं अपने इसी कलाम में जिसमें ये फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और ना हो तो रसूलुल्लाह की, तो फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो गया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हुआ, वहां भी तो आला हजरत ने शेर में इस्तेमाल किया, असल में तमाम बातें सबके बारे में फरमा दिया कि तुमसे जन्नत का क्या मतलब, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत भी सरकार के साथ उपलब्ध है। उस्ताद जमन शहनशाह सुफन हजरत मौलाना हसन रजा खान साहब ने फरमाया बिरादर अर्जुन ने आगे हजरत फरमाया कि वही सबके मालिक उन्हीं का है, सब अल्लाह तबारक व तआला ने देखी हर शय का मालिक कौन है, अल्लाह हर शय का खालिक कौन है, अल्लाह तबारक, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक व मुताजी मालिक व मुताज भी बनाया, इसलिए तो अल्लाह ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब वो इतने नहीं होगा, महबूब और मोहिब में ये होता है कि ये मेरा है ये तेरा है, महबूब और मोहिब में मामला क्या होता है कि जो मेरा है वो सब तेरा है, इसीलिए उस्ताद अजमत ने एक और जगह फरमाया ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा, तो जन्नत भी सरकार की है, जन्नत में भी हम जाएंगे तो सरकार की करम से। आज शरिया ने एक जगह फरमाया कि सरकार अलैहिस्सलाम की शान ये है जिसको जो चाहे अता करे, जहां वाणी अता करे वही जन्नत की बात करते हैं, नबी मुख्तार एक कुल है जिसको जो चाहे जो चाहे। मेरे वालिद साहब ने एक दफा ये शेर पढ़े आ रहा था उसकी तशरीह बयान करी कि देखिए विवाह विवाह किसको कर सकता, कौन विवाह कर सकता है, विवाह यानी तोहफे में देना, और विवाह तो वही कर सकता है ना जिस जो उसकी मिल्कियत, अगर मेरी मिल्कियत ही नहीं है तो मैं दूसरे को वो चीज कैसे विवाह कर सकता, और तोहफे में जब कोई चीज दी जाती है विवाह की जाती है तो उसका मामला नहीं लिया जाता, तो सरकार अलैहिस्सलाम जन्नत के मालिक है ये भी तो विवाह का मालिक, और इसके अमल ये नहीं है कि वो आप अमल ने होंगे आपके अमल को जन्नत मिलेगी, ऐसा नहीं है, सरकार का कलम जिस पे हो जाए जिस पे सरकार क्योंकि वही मुक्ता तो जिस पे सरकार का कलम हो जाएगा जन्नत मिल जाएगी, अमल सालेहा जो है ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको जन्नत मिल जाएगी, सरकार अलैहिस्सलाम जो है वो मालिक है वो जिसको चाहे जो चाहे अता करे, तो यही मसले के आला हजरत है
और आला हजरत ने फरमाया जैसा मैंने कहा कि जन्नत के असल हकदार रब है। वो ये रजब शरीफ का महीना था, आज आखिरी दिन है, तो इसमें जो मैं अभी हमारे भाई मौलाना शाहिद अली रिज़वी साहब ने कसीदे मेरा किया जो आला हजरत का पढ़ा, इसमें तो आला हजरत ने पूरे वाकया मेराज को दिया है, लेकिन इस कलाम में भी आला हजरत फरमाते हैं, इसके मतले में फरमाते हैं, फरमाते हैं अर्श हक है मसनद अल्लाह जो सरकार जब तशरीफ ले गए और आपने वहां पे जलवा अफरोज हुए मसनद पे, तो अर्श हक जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया वो अपने बैठने के लिए नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से जिस्मानियत से मकान से मकानियत से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श हक सरकार की मसनद बनाया। एक दिन मेरा महबूब तशरीफ लाएगा और इस पे जलवा उनकी शाने ये जो हैशर बापा हो रहा है इसका एक ही मकसद है कि सरकार की शाने महबूबी दिखाई जाए। तो ये मसले के आला हजरत है अकीदे अहले सुन्नत को मौजूदा दौर में पहचान के मसले के आला हजरत कहा जाता है और इस पे हमें कायम रहना है, इस पे इस्तकामत के साथ कायम रहना है और आला हजरत की तालीमात पे अमल करना है। हमारे मुफ्ती मोहम्मद आलिम महमूद खान साहब कादरी रिज़वी पहले से थे जब बैत हुए मदर शरीफ में आपके वालिद साहब और आला हजरत एक ही वक्त में जाकर बैत हुए शाह आले रसूल और अपने दोनों साहबजादगण को आला हजरत ने बैत करवाया उनकी चौधरी भी हजरत अब्दुल फैज नूरी मियां यानी हजरत हुजरत इस्लाम भी हजरत नूरी मियां साहब से बैत हुए उनके खलीफा भी और हुजूर मुफ्ती आजम भी उन्हीं की से बैत हुए उनके खलीफा और उन्होंने ही ये आला हजरत को बशारत दी थी कि ये बच्चा वली है और 6 माह की उम्र में 14 साल की मुलाकात हुई। ये इस्लामी तारीख में हमको मिसाल नहीं मिलेगी 6 माह की उम्र में और जब पैदा हुए थे तो आला हजरत से फरमाया था आला हजरत उसको कुरान शरीफ दे दे तो नूरी मियां साहब ने फरमाया था कि ये बच्चा आपका वली आप बताइए। तो उनकी मदद हजरत बड़ी थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनका वली भी हूँ और मेरे वालिद साहब भी उन्हीं के तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मौलाना आरिफ महमूद खान साहब का दीदी अब दूरी भी हो जाए। मेरे पास जो ताजिब शरिया की दी हुई इजाजत और खिलाफत और मैं अपने वालिद गिरामी शौकत अहले सुन्नत मोहम्मद शौकत हसन अज़हर साहब का दीदी दूरी जितनी भी इजाजत है वो मैं मौलाना आरिफ महमूद साहब कादरी रिज़वी दीदी साहब को भी पेश करता हूँ। मुबारक हो अल्लाह ताला इसके नाम से और
الله 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 الله.